पता क्या है तुम्हें फैशन का बबुआ? कॉर्निश कुट्टी, विल यू मैरी मी अगेन? थैंक यू, आई विल थिंक अबाउट। बाजी हमारे गुस्से में पता नहीं आज क्यों। आई थिंक दिस इज श्रीम। हैं भाई, हमारे पीछे ये जो ट्रक ड्राइवर वाले गाने चल रहे हैं ना शदीद करके, यहाँ पे दो औरतें इकट्ठा तैयार हो रही हैं असल में, तो उन लोगों को ट्रक ड्राइवर वाला माहौल चाहिए था। हाँ, ये 90s का म्यूज़िक है, लेकिन इस 90s के म्यूज़िक में शदीद ट्रक ड्राइवरपन है, तो ये इनको वही वाला माहौल चाहिए था यहाँ पे तैयार होते हुए। दोनों एक डाई की औरतें हैं, यहाँ पे तैयार हो रही हैं। बाजी ये बाल क्या क्रीम कर रही हो, क्या कहते हैं इसको, क्रीम कर रही हो? सही है भाई, इधर तैयार। हाँ, तैयार होकर कहाँ जा रहे हैं हम? तैयार होकर जा रहे हैं अम्मा की तरफ। अम्मा लोगों ने आज दावत की है बाजी और दो भाई लोगों की, तो हम वहाँ पे जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। मैं तैयार हूँ, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे मुझे, मैं तैयार हूँ। हाँ, तो दिख रहा है वो यहाँ से जी, सिर्फ 5 मिनट, वही वाली बात है। चलो, क्या कहते हैं इसको, बाल क्रीम होना, क्रीम करना, क्रीम करना कहते हैं इसको बालों को। ओके, न्यू वॉल्यूम ले आते हैं ना बालों में, वो जो हजाए हजाए होती है उनकी जैसे बातें। चल रहा है, इतना ट्रेंडी है, पता क्या है तुम्हें फैशन का बबुआ? यार मेरे भी करके देखना जरा कैसे लगते हैं। अच्छा, मजा वाले खुद क्यों करवाने? अब तुम क्यों हाजी बन? फैशन है ना, ट्रेंड चल रहा है ना, कोई बात नहीं, बस सही है। अब एक दिन तुम्हारे होंगे, फिर तुम उसका ऐसी एक आधा पीस करके दिखाना अभी थोड़ी देर में, ठीक है? थोड़ा सा आगे के या साइड के कहीं पे, वैसे अजीब से लगेंगे थोड़े से हुए ना, है ना? लोग करते हैं लेकिन लड़कियां बीच बीच में ना एक एक दो दो पैटर्न डाल देती हैं बस ऐसे क्रिम्पिंग के। चलो मैं पूरे करवाऊं, बताओ करवाऊं नहीं करवाऊं बाजी की जैसे ये ऐसे क्रिम करवाऊं बालों को? मैं तो सोच रहा हूं कटवा ही लूं बिल्कुल, अब फारिग कर देता हूं बिल्कुल। हाँ करवाऊंगा वो भी मैं इंशाल्लाह एक दिन, जल्द से जल्द। नम्मो के लिए सरप्राइज, नम्मो के लिए सरप्राइज होगा, बस कट बिल्कुल। और बाजी नहीं है वाला कलर पहली दफा पहने, रद्दू भाई क्या बोल रहे थे देख, इतने बदतमीज है, इतना मेरा मजाक पड़ा। उस दिन मैंने नीला अबाया पहना था तो कह रहे थे नीलोफर लग रही हो, और आज बोल रहे थे कि वो बिल्कुल जो है ना ये किनू क्यों बन के आ गई थी, पाकिस्तान के संतरा है, संतरा। हाँ। मैंने बाजी को बोला एक लठी कर दो, कोई बात नहीं, कुछ भी हो बस कर दो, चाहे उसका। अभी ये तो वाइब्रेट हो रहे हैं। हाँ, वाइब्रेट नहीं होते बेटा, वो अंदर रोलर है उसके, वो ये खराब करेंगे बालों को। नहीं कुछ भी, हेल्थ ठीक रहेगी बालों की इससे, बहुत अच्छी रहेगी। बेटा कोई सा भी हीट लगता है ना तो बाल खराब होते हैं, उसके बावजूद भी ये करना होता है। ये देखो, ओए होए, देखा, ओए होए, बस सिर्फ एक इधर के कर लो, एक पीछे के और एक इधर के, बिल्कुल हट जाओ वाला लुक आ गया। जैसे उम्रे में करते हैं आगे साइड राइट तीन जगह से बाल कटते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सही कसर, कसर, ये कसर हो गया, क्रिम्पिंग कसर है ये। थोड़ा सा आगे आ जाओ, अच्छे लग रहे पीछे से, हाँ आगे से अच्छे लग रहे। बाजी एकदम उखाड़ न दियो बाल, अगर उखड़ गए तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वर्ड से वर्ड क्या होगा, गंदा वाला पड़ेगा, नया आएंगे बाल, बस तो बड़ी स्पीड में हो रहे, अजीब सा हो जाएगा, यूं गुप्पच बन जाएगा ना ये। इधर आगे वाली भी कर दे फिर करीब, ये तो देखो ऐसा लग रहा है बहुत वो। अरे ये तो बिल्कुल वो क्या नाम है उसका, वो सिंगर बॉब मारले वैसे लग, उसके जैसे हो गए, मस्त। बाजी ये किसी दिन पूरे बालों में करना मेरे, कैसे लग रहे हैं बताओ जरा कमेंट करके तो बताओ। गुड ईयर, अच्छा अब इस पे कंघी वंघी करें, सब नॉर्मल रहेगा, सब नॉर्मल रहेगा, बस नहाओगे तो खराब हो गए। और जे मेरा पंपा तैयार हो गया है, वो तो सुना दो हम कहाँ के सच्चे में। ये देखो भाई, तैयार होने के बाद मैंडेटरी चीज होती है सेल्फियां इंस्टाग्राम पे लगाने के लिए, 25 सेल्फियां लेके फिर एक से भी सेटिस्फाई ना होना। चलो भाई सब तैयार हो चुके हैं और टाइम पता नहीं, घड़ी मेरी बंद है, गाड़ी में चार्ज करेंगे, तकरीबन 10:00 हो रहे हैं, तो बस नंबर लाइट्स वगैरह ऑफ कर दियो, शादी रेडी, यल्ला चलो निकलते हैं। जाते जाते बीच में हम लोग मीठा लेने के लिए रुके हैं और हमारे घर के पास गनाश खुल गई।
भाभों ने बिरयानी बनाई है लेकिन निकाल मैं रही हूँ। माशा अल्लाह तबारक अल्लाह। भैया मैं इतनी टाइट भूख लग रही थी, उन्होंने ऐसी भरपूर बिरयानी फोड़ी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद खा रही हैं गनाज का केक। गनाज आप गूगल मैप पे लिख लीजिएगा, आ जाएगा मेरे ख्याल से 2 या 3 जगह पे जद्दा में। लजीज ज़बरदस्त किस्म का, अब तक तो कट गया लेकिन मैं कटा हुआ ही दिखा देता हूँ आपको। सही साबुत की पिक्चर ली थी भाजी है? अच्छा है, दिखा दूँगा। साबुत केक, साबुन की पिक्चर मैं इस वक्त केक पे क्यों दिखाऊंगा उन्हें। मैंने पहली दफ़ा कोकोनट केक खाया, भाजी ने किए मेरे बाल क्रीम। भाई अभी सीन ये हुआ है कि हम आए हैं कॉर्निश, अद्दू भाई लोगों को हमने कॉर्निश नहीं दिखाया था, तो एक बच्ची आई फूल बेच रही थी, तो अद्दू भाई ने एक फूल लिया फरिया के लिए और दूसरा फूल लिया नम्मो के लिए। तो अब वो हम उसको एक तरीके से इवेंट बना के फिर हम देंगे बारी बारी अपनी अपनी बेगमात को। तो वैसे आगे रश हो रहा है ताकि आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह सके आप। हाँ, तो ये वक्तन फवक्तन अगर आपकी एक बेगम है तो वक्तन फवक्तन उनको फूल आप पेश करते रहा करें, ठीक है, ताकि आगे से आगे आपकी लाइफ बिल्कुल सही रहे। तो अद्दू भाई बिस्मिल्लाह करें। Will you marry me again? Thank you. I will think about it. Nammo, be my Valentine again forever and ever. Shukran. Afan. तो हम अभी समंदर पे उतरते हैं तो आप लोगों को वो भी दिखाते हैं और बाजी और अद्दू भाई का रिव्यू भी लेते हैं अपने कॉर्निश के बारे में। पार्किंग पता नहीं हमें मिले ना मिले। देखो भाई हम दावत में गए थे, ये तो आप लोगों को पता है बहुत अच्छे तरीके से, और हम दावत से डायरेक्ट आ गए हैं कॉर्निश। कॉर्निश आए हैं और मज़े की बात मैं आपको बताता हूँ। कॉर्निश तो मैं दिखाता रहूँगा लेकिन एक मज़े की बात बताता हूँ। ये दोनों ख़वातीन हील्स पहन के गई थी, अब कॉर्निश पे हील्स पहन के वॉक करनी पड़ रही। यार वैसे यहाँ पे शाम में भी आएंगे दोबारा। ये शाम में कोई मजे का व्यू देता है आपकी सोच। तो क्या लिखा हुआ है सामने? चप्पलें पहनी हुई ना तो इसलिए भी और ज्यादा उनको हो रहा होगा। गुड जॉब, ब्रावो। हाँ बाजी कैसा लगा हमारा कॉर्निश? बहुत अच्छा, बहुत ट्रॉपिकल और लश पश। मेरा दिल चाह रहा है कि अब मैं दिन में आऊँ, प्रॉपर समंदर देखूँ, जॉगर्स पहन के। जॉगर्स पहन के आज तो हम बस आ गए ऐसी दावत में से। हाँ। तो ताकि फिर हम बहुत अच्छे से वॉक करें। अभी तो पैरों का बुरा हाल हो रहा है इस टाइम, मतलब बहुत प्यारी जगह है माशाल्लाह। और रात के 3 बजे इतनी रौनक है, 3 क्या 3:30 होने वाला है, उस हिसाब से बहुत मजेदार जगह है। थैंक यू भाई, आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत ऑर्गेनाइज किया भाई इन्होंने और साफ सुथरा है और 3 बजे भी इतनी रौनक है माशाल्लाह। बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छा है, जबरदस्त। चलो एक मेहनत स्वारत हो गई, मतलब हमें लेके आने वाली है, बहुत मजेदार जगह है। इंशाल्लाह दिन में लेके आएंगे तुम्हें यहाँ पे। हाँ। सनसेट बड़ा प्यारा दिखता है यहाँ पे, मतलब अभी समंदर भी नजर नहीं आ रहा ना, भी आ सकते हैं हम कुछ खापा वापा लेके ना, आके बैठ के आराम से कालीन बिछा के पिकनिक कर सकते हैं। ये देखो भाई, ये जो खवातीन दावतों से डायरेक्ट समंदर आती हैं, उसके बाद फिर उनकी हील्स उनके मियाँ उठाते हैं। ये देखो मैंने नम्मो की हील्स उठाई है, अद्दू भाई ने फरिया की हील्स उठाई और ये नंगे पैर यहाँ पे घूम रही। नहीं किया करो ना ऐसे शौक, नहीं पाला करो ऐसे शौक। ये हील्स अब समंदर पे होने जा रही है अलबेक की पार्टी। भूख लग गई ना चल चल के, तकरीबन कोई 4:15 हो गए हमें यहाँ पे, तो बिरयानी बिरयानी हज़म हो गई हमारी। हमने कहा अब ज़रा अलबेक की गेम ऑन करते हैं। बाजी हमारे गुस्से में पता नहीं आज क्यों, आई थिंक दिस इज शरीम है, गुस्से में तब से डांट रही है हमें, पता नहीं जो हटा मैंने। जो भी काई बात करो बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट जवाब दे रही हैं। हैं आप लोगों को भी लग रही होंगी ना बाजी गुस्से में आज, हो गुस्से में अच्छा। हाँ कल अद्दू भाई जा भी रहे ना वापस, तो इस वजह से शायद बाजी को उदासी हो रही है। ऐसे ऐसा खुशी हो रही है। चलो खाओ बिस्मिल्लाह। मुझे वो चाहिए वहाँ पे, क्या ग्रीन ग्रीन है, क्या ग्रीन ग्रीन है, मोरक्कन टी के अलावा वहाँ पे वो भी है, दुर्रा भी है, पॉपकॉर्न भी है। इधर आ जाओ, पेट भरा हुआ है ना तुम्हारा, जाओ लेके आओ जल्दी से, शाबाश। ये देखो ये होता है फ़र्क लोकल देसीज़ में और कनाडा के देसीज़ में। जब बिल्ली आती है हम उसको कहते हैं हुश हुश,
बाजी कह रही है ओ कैटी कर Side by side our fears are done All the good times just begun Oh, we know what we have, let's hold on tight Found what we're looking for in life भाई पार्टियों को सब किस्म के समंदर दिखा दिए हैं कॉर्निश से फिर आगे मजीद अल्लाह भला करे आपका शल्लाल के पास वाला मौजों वाला समंदर अब निकलने लगे हैं घर की तरफ हाँ भाई पार्टियों मज़ा आया समंदर देख के बहुत मज़ा आया माशाल्लाह इतनी प्यारी हवा चल रही है ना और समंदर की प्यारी प्यारी आवाज़ इतने सालों के बाद हमने जाना हवा कैसी चल रही है और मौजें कैसी आ रही हैं बताओ मौजों की आवाज़ इतनी प्यारी है और हवा भी मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है आपको तकरीबन फजर की अजान हुई है पौने 5:00 हो रहे हैं और कद्दू भाई हम आपको बहुत मिस करेंगे बेइंतहा मिस करेंगे हम आपको और हम भी भाई बहुत मिस करेंगे हमारी अच्छा टाइम गुजरा पार्टियां भी बहुत मिस करेंगे आपको कद्दू भाई जा रहे हैं कल हाँ इंशाल्लाह अब वापस जल्दी आना है और हज में आना है इंशाल्लाह हज करने के लिए आप लोग भी दुआ करें जरा कि कद्दू भाई लोग इंशाल्लाह हज में आए ठीक है ना चले अब चलते हैं घर ठीक है ना भाई याद रखना पानी लेना है अभी रास्ते से ठीक है आ जाओ तुम लोग भी याद रख लेना जब तक तो ले लेंगे